got a funny feeling. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घिल्ली मूवी का शालालाला सॉन्ग के बारे में, जिसके बारे में हमें बोला है हमारे दो सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है सिने हब और पीपी। तो इनके एग्जैक्ट नाम हमें नहीं पता क्योंकि इनके उस पर यही नाम लिखा हुआ था चैनल पे। तो सिने हब और पीपी जी, आपकी फरमाइश पे हम लेके आए हैं शाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉन्ग, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। Yeah.
ओके बच्चों वाला गाना था ना मतलब काफी अच्छा सॉन्ग था मतलब वर्ड्स हमें समझ नहीं आए लेकिन जो वर्ड्स का जो मतलब क्या बोलते सिलेक्शन है ना बड़ा अच्छा था बड़े क्यूट क्यूट से वर्ड्स थे इतना तो समझ आता ही हमें मतलब सुनने में बड़े मीठे लग रहे थे ठीक है बहुत अच्छे वर्ड्स थे और जब वो बच्चा नंगा हुआ ना वो मटका फोड़ा तब मुझे मेरे बेटे की दिखने लग गया मतलब मेरा आई वी हैव अ 3 ईयर्स ओल्ड सन जब वो इतना शरारती जब नंगा होता है उसकी भी यही हरकतें होती हैं ये डांसिंग वगैरह ये सब कुछ सेम होती है मतलब ऐसा लग इसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा बेटा सामने कुछ ऐसा कर रहा है ना ठीक है उसकी भी यही हरकत होती है और ये जो लाइफ दिखाई थी ना विलेज लाइफ मतलब इस टाइप के विलेज हमारे यहाँ पे नहीं है कि नदियाँ चल रही हैं और पानी झरने वगैरह इस टाइप का नहीं है लेकिन विलेज लाइफ दिखाई हुई है कि भी खेतों की लाइफ दिखा दी और ये बहुत ऑसम लाइफ होती है बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं कैसे खुश और ये जो हीरोइन है ना ये भी थोड़ी नोटिस ही है वैसे भी हर मूवी में इनका मतलब ऐसे ही रोल होता है बड़ी नोटिस ही है मतलब सीरियसली मैंने इनका कोई ऐसा देखा ही नहीं जिसमें बड़ी सीरियस रहती है ये काफी पुरानी मूवी है और उसके थोड़ी इसमें एनिमेशन वगैरह भी यूज की हुई है जब वो जुगनू वगैरह उठ रहे थे ना उस टाइम पे एनिमेशन वगैरह यूज की काफी पुरानी मूवी है तो काफ़ी अच्छी मूवी भी काफ़ी अच्छी रही होगी अभी भी लोग देखते होंगे आई एम श्योर अबाउट दिस और सॉन्ग भी ये बहुत फेमस लग रहा है मेरे को क्योंकि मतलब इतना अच्छे से कोरियोग्राफ किया हुआ है बहुत अच्छे से और जब ये जुगनू वाला सीन आया था ना तो मेरे को अपने बचपन की बातें याद आने लगी थी कि हम लोग कैसे खेलते थे ना जुगनू जुगनू करते बहुत अच्छा था मतलब थैंक यू पीपी और सिनेहा आपने ना मेक का तो मेरा बचपन याद दिला दिया मेरे बच्चे का बचपन थैंक यू सो मच दोस्तों कमेंट करने के लिए इतने अच्छे अच्छे सजेशन देने के लिए थैंक यू सो मच तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ये पे खत्म अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सॉरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों उससे पहले कोई टाटा बाय बाय नहीं ठीक है पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें उसके बाद टाटा बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो